हाय दोस्तों, आज हम ये लैपटॉप रिपेयर्स करेंगे और इसको हम लोग प्रैक्टिकली रिपेयर करके देखते हैं कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे डीसी मैंने सेट करके रखा है इसको, तो यहाँ पे हम लोग प्लग इन करते हैं। प्लग इन किया मैंने और मैंने ये यहाँ पे पावर बटन दबाया, तो पावर बटन दबाया तो क्या हुआ, करंट मेरा फ्लक्चुएट हुआ। दोबारा दिखाता हूँ, ऑन किया, सप्लाई किया, बटन दबाया, बटन दबाया तो देखो 17 mA करंट आती है, मतलब ऐसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ऑन जैसे मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी ऐसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन बाकी कंपोनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यानी फुली ऑन नहीं हो रहा है। सो मे बी मेरा पावर बटन आउट और RSM RST आ रहा है, लेकिन मेरा SLP 3 SLP 4 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बुक का हेल्प लेंगे और ये बुक को रेफर करके इसको, ये जो डेड लैपटॉप है उसको डायग्नोस करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो अभी हम लोग ने बोर्ड को खोल दिया है पूरा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी कीबोर्ड जो है उसका, कीबोर्ड ऑन ऑफ स्विच में नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लेटेस्ट लैपटॉप्स है उसके जो कीबोर्ड्स है वो मदरबोर्ड के अंदर ही होते हैं, मतलब ऑन ऑफ स्विच उनका मदरबोर्ड पे ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑन ऑफ स्विच है मदरबोर्ड पे, ऑन ऑफ स्विच इसका कीबोर्ड में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और रीचेक करेंगे। कभी कभी हमारे कीबोर्ड शॉर्ट होता है या फिर कुछ डिवाइसेस शॉर्ट्स होता है, फिर तभी भी ऑन नहीं होता। तो हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर सप्लाई दे के चेक करेंगे। फिर सप्लाई दिया और फिर हम लोग यहाँ पे, मेरा करंट आया, मैंने पावर बटन प्रेस किया, 18 आके वापस करंट मेरा रुक गया, यानी ऑन हुआ नहीं। सो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर पूरा मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका स्कैमेटिक्स ओपन किया, ये मदरबोर्ड का स्कैमेटिक्स है और ये हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है। और हम लोग देखेंगे कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन में क्या होता है कि इस तरह से ये जो डायग्राम्स है यहाँ पे दिखाया गया कि जो सप्लाई पास होता है इसके अंदर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए अलग अलग चिप्स है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के लिए अलग अलग चिप्स है और उनके अंदर लीनियर रेगुलेटर भी है। तो फर्स्ट हम लोग लीनियर रेगुलेटर को चेक करेंगे और फिर बक कन्वर्टर का आउटपुट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग VRG 3 वोल्टेज चेक करें, जो लीनियर वोल्टेज है हमारा वो 3.3 आ रहा है। ये वोल्टेज SIO को जाता है, यानी SIO को सप्लाई मिल रहा है, VRG 3 मिल रहा है और लेकिन बोर्ड टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और बटन दबाने के बाद हमारा करंट फ्लक्चुएट्स हो रहा है। तो इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लली सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट्स हो सकता है। सो शॉर्ट सर्किट दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी यानी हमारा करंट सेंसिंग से शॉर्ट सर्किट्स होता है और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट, यानी हमारे जितने भी बक कन्वर्टर्स के आउटपुट्स है तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट्स होता है। तो ये बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि शॉर्ट सर्किट के रेजिस्टेंस कितने होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये हमारा DC जैक्स है और यहाँ से सप्लाई पास होता है करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये दो मॉस्फेट है और ये अलग अलग जगह पे जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस है और इनका अलग अलग वोल्टेज का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। यानी अगर 3 और 5 का ये जो आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पे हमारा ऑफ कंडीशन में यानी कोल्ड टेस्ट पे 100 ओम्स के ऊपर रेजिस्टेंस आना चाहिए विदाउट पावर। रेजिस्टेंस कभी भी आप चेक करेंगे तो आपको पावर को डिस्कनेक्ट करना है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी भी और अडाप्टर भी, और एक प्रोब ग्राउंड लगाना है और दूसरा प्रोब ये कॉइल पे लगाना है और मल्टीमीटर को बजर पे रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 100 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए, यहाँ पे 100 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए, रैम के सप्लाई जो भी रहेगा वहाँ पे 100 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए, PCH का जो सप्लाई है 1.05 वहाँ पे 5 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए और CPU कोर का जो सप्लाई है वहाँ पे 1 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए। वो डिपेंड ऑन द CPU कौन सा है उसके ऊपर, बट अप्रोक्सीमेटली 1 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए। ग्राफिक्स कोर का भी सेम 1 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ओम्स के ऊपर, PCH का 5 ओम्स के ऊपर और बाकी जितने भी बक कन्वर्टर्स है वो सब बक कन्वर्टर्स का 100 ओम्स के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए कोल्ड टेस्ट में। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे जितने जितने कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल, ये सारे अलग अलग कॉइल है, ये सारे सारे कॉइल क्या है, बक कन्वर्टर्स है और इन बक कन्वर्टर्स का रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करेंगे। तो कोई भी बक कन्वर्टर्स मेरा 0 ओम नहीं दिखाना चाहिए, अगर कोई मेरा 0 ओम दिखाया यानी शॉर्ट है। सिर्फ CPU का रेजिस्टेंस कम बताएगा और PCH का रेजिस्टेंस कम बताएगा। यहाँ पे ये बोर्ड में
सीपीयू और पीसीएच कंबाइन है, ठीक है, जिसको एसओसी बोलते हैं, तो वहां पे कंबाइन रेजिस्टेंस आएगा और बाकी का सबका अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए मुझे मल्टीमीटर को बजर पे रखा है मैंने, और एक प्रोब को मैं ग्राउंड लगाऊंगा यहाँ पे और वैल्यूज को चेक करूंगा वन आफ्टर अनदर। हर एक का मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, इसका नहीं मेरे से जीरो दिखा रहा है, देखो अभी यहाँ पे ये जो कॉइल है मेरा वहां पे जीरो दिखा रहा है। दूसरा कॉइल हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो नहीं दिखा रहा है। फिर ये वाले कॉइल को चेक करेंगे, ये वाले कॉइल को चेक करेंगे, ये देखो ये सीपीयू का कॉइल है तो यहाँ पे कितना ओम्स दिखा रहा है, 3 ओम दिखा रहा है। जैसे मैंने बताया कि सीपीयू को 1 ओम्स के ऊपर दिखाना चाहिए लेकिन 3 ओम्स दिखा रहा है, बराबर है। फिर इसका चेक करेंगे, देखो ये 100 ओम्स के ऊपर दिखा रहा है ना। तो सब कॉइल है वो नॉर्मल बता रहे, सिर्फ ये जो वाला जो कॉइल है, ये वाला जो कॉइल है वो 0 ओम दिखा रहा है, ये 0 ओम दिखा रहा है, यानी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो ये कॉइल कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे स्कीमेटिक में, कॉइल का लोकेशन नंबर क्या है वो देखेंगे, लोकेशन क्या है PL302। सो ये PL302 मेरा जो कॉइल है वो 3 वोल्ट का कॉइल है, दिख रहा है 3 वोल्ट अलवेज, ठीक है 3 वोल्ट का कॉइल है, ये बक कन्वर्टर है उसका, और लीनियर वोल्टेज, ये लीनियर वोल्ट तो हमारा आ रहा है पिन नंबर 17 LDO लो ड्रॉप आउटपुट 17, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, और ये वाला जो कॉइल वो शॉर्ट बता रहा है, यानी 3 वोल्ट में मेरा शॉर्ट सर्किट है। तो अभी शॉर्ट सर्किट को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे एक दो तरीके है, जैसे कोई थर्मल कैमरा यूज करता है, लेकिन हम लोग डीसी पावर सप्लाई यूज करेंगे, डीसी पावर सप्लाई से ही शॉर्ट सर्किट निकालेंगे। कोई शॉर्ट सर्किट किलर भी यूज करता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट किलर थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसके अंदर हाई करंट है, तो वो केस में कभी कभी क्या होता है मदरबोर्ड जल जाता है पूरा। तो हम लोग यूज करेंगे डीसी पावर सप्लाई। तो डीसी पावर सप्लाई में हमें क्या करेंगे कि कितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे रखेंगे, यानी मेरा जो शॉर्ट सर्किट है कितना वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे शॉर्ट सर्किट है, तो हम लोग डीसी पावर सप्लाई पे 3 वोल्ट ही सेट करेंगे, यानी जितना शॉर्ट सर्किट है उतना ही वोल्टेज रखना है। यानी अगर मेरा शॉर्ट सर्किट अगर 1.2 वोल्ट पे होता था रैम का सप्लाई पे, तो मैं डीसी पे 1.2 वोल्ट ही रखता था, लेकिन अब यहाँ पे मेरा शॉर्ट सर्किट 3 वोल्ट पे है तो मैं 3 वोल्ट रखूंगा। ओके, तो मैं डीसी को 3 वोल्ट रखूंगा। अभी आप भी देख लो इसको कैसे सॉल्व है। डीसी को हमने यहाँ पे 3 वोल्ट सेट किया। अभी ये दोनों प्रोब हम लोग ये डीसी पावर सप्लाई में लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, और ब्लैक प्रोब ग्राउंड में लगाएंगे, और रेड प्रोब जो है वो जो कॉइल शॉर्ट है वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूं ये कॉइल पे, तो वहां पे मेरा क्या होगा, ये करंट शूट अप होगा। करंट देखो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया और करंट 5 एम्पियर गया, करंट मेरा बढ़ गया, यानी मेरा जो पूरा करंट है वो कोई तो एक कंपोनेंट से ग्राउंड हो रहा है। अभी वो कौन सा कंपोनेंट से ग्राउंड हो रहा है तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट करेगा, यानी गर्म होना स्टार्ट करेगा, वार्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली हाथ से देखेंगे कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं रैम को डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं मैन्युअली इसको चेक करूंगा, सीपीयू को भी डिस्कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे लगा देते ग्राउंड को, तो क्या हमें कंफर्टेबल हो, और सप्लाई को हम लोग यहाँ पे इजेक्ट करेंगे। ये कॉइल मेरा शॉर्ट दिखा रहा है, तो सप्लाई को यहाँ पे हम लोग इजेक्ट कर रहे हैं, करंट मेरा बढ़ा, और ऑब्जर्व करेंगे क्या गर्म हो रहा है बोर्ड के अंदर, गर्म क्या हो रहा है देखेंगे। ठीक, सो बोर्ड के अंदर हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ गर्म हो रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन पे गर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गर्म हो रहा है, यानी वो 3 वोल्ट है, वो 3 वोल्ट किसको किसको जाता है, 3 वोल्ट सीपीयू को भी जा रहा है, 3 वोल्ट मेरा बायस को जा रहा है, 3 वोल्ट मेरा ऑडियो को जा रहा है, 3 वोल्ट मेरा नेटवर्क को जा रहा है। तो यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, यहाँ पे नेटवर्क चिप्स है, और नेटवर्क चिप्स को ये 3 वोल्ट जा रहा है। तो इस पाथ में जो 3 वोल्ट का ये पाथ है, यहाँ पे मेरा शॉर्ट सर्किट, तो मेरा 3 वोल्ट यहाँ से पूरा ग्राउंड हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरा कुछ कंपोनेंट गर्म हो रहा है, तो नॉर्मली ये केस में कैपेसिटर ही गर्म होता है। तो हम लोग वापस एक बार रिपीट चेक करेंगे कि एग्जैक्ट कौन सा कैपेसिटर सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो सप्लाई को वापस इजेक्ट करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर एग्जैक्ट गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर गर्म हो रहा है, हाँ ये वाला कैपेसिटर सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करके चेक करते हैं।
तो जो कैपेसिटर जो गर्म हो रहा था उसको हमने अभी निकाला है, अभी हम लोग चेक करेंगे। और सेम बजर पे रखा है मल्टीमीटर, इसको एक प्रोब ग्राउंड लगा है, कहाँ पे भी ग्राउंड लगाओ जितने भी कॉइल, अभी या ये कॉइल पे मेरा रेजिस्टेंस है वो जीरो बता रहा था, ठीक है ना। तो अभी हम उसको वहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी देखो उसका रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 937, पहले कितना दिखा रहा था, जीरो दिखा रहा था, अभी 937, यानी शॉर्ट सर्किट अभी गया, ठीक है, यानी प्रॉब्लम हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अभी हम लोग उसको चेक करेंगे, अभी पावर देके चेक करेंगे, उसको ऑन ऑफ स्विच जहाँ पे है यहाँ पे हम लोग उसको सप्लाई देंगे। और डीसी पावर सप्लाई से जैसे हम लोग बटन को प्रेस करेंगे, डीसी पावर सप्लाई में मेरा करंट इंक्रीज होना चाहिए। कनेक्ट किया पावर, करंट है मेरा 5 mA, और ये पावर बटन है, और जब मैं इसको प्रेस करूँगा लाइक दिस, मैंने प्रेस किया, करंट मेरा इंक्रीज हुआ, है ना, करंट मेरा इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे जो LEDs है वो भी ऑन हो गया, ठीक है, यानी मेरा बोर्ड क्या हो गया, ऑन हो गया, बोर्ड मेरा ऑन, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना। अभी हम लोग डिस्प्ले चेक करेंगे कि इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज डाउन होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स है, तो पिक्चर में क्या दिखा है कि मेरा जो वोल्टेज है यहाँ से ट्रैवल होगा, मतलब डीसी जैक से ट्रैवल होगा, ये दो मॉस्फेट है, फिर ये करंट सेंसिंग रजिस्टर, और ये करंट सेंसिंग रजिस्टर लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वोल्टेज इधर इधर इधर, यानी हर बक कन्वर्टर को जा रहा है वोल्टेज, वो 3-5 सेक्शन को जा रहा है, 1.8 को जा रहा है, 1.05 को जा रहा है, 1.5 को जा रहा है, सीपीयू कोर को जा रहा है, ग्राफिक कोर को जा रहा है, सो अलग अलग बक कन्वर्टर है, और अलग अलग बक कन्वर्टर को जा रहा है, ठीक है, और अलग अलग बक कन्वर्टर अलग अलग वोल्टेजेस को जनरेट कर रहे हैं, और जो वोल्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट चिप्स को जा रहे हैं, राइट। जो 3 वोल्ट का जो है वो जाएगा बायस को जाएगा, SI को जाएगा, नेटवर्क को जाएगा, ऑडियो को जाएगा, 5 वोल्ट है हार्ड डिस्क को जाएगा, डिविडेटर को जाएगा, फैन को जाएगा, USB को जाएगा, 1.05 PCH को जाएगा, 1.2 RAM को जाएगा, 1.05 PCH है, CPU कोर, ग्राफिक्स कोर, ऐसे अलग अलग बक कन्वर्टर। तो जो आउटपुट है इनका, मतलब ये जो कॉइल है यहाँ पे, जो कॉइल दिख रहे हैं ना, बक कन्वर्टर का आउटपुट क्या है, कॉइल और कैपेसिटर, बक कन्वर्टर का आउटपुट है कॉइल और कैपेसिटर। तो कोई भी कॉइल पे जीरो ओम नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी कॉइल पे जीरो ओम नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कोई भी कॉइल पे अगर जीरो दिखाया, यानी पर्टिकुलर सेक्शन शॉर्ट है, जैसे टायर का पंक्चर होता है ना तो हवा निकल जाती है, उसी तरह से जहां पे शॉर्टिंग है वहां से करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट था 3 वोल्ट में था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट था 3 वोल्ट में था, सो 3 वोल्ट क्या हो रहा था, ग्राउंड हो रहा था। तो 3 वोल्ट ग्राउंड होने की वजह से बटन दबाने के बाद वो फुली ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 वोल्ट वापस CPU को, यानी इसके अंदर PCH और CPU कंबाइन है, CPU और PCH के कंबाइन जिसको SOC बोलते हैं, वो टर्न ऑन नहीं हो रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। SIO तो रिस्पॉन्ड हो रहा था कि SIO को लीनियर वोल्टेज मिल रहा था, तो SIO तो ऑन हो रहा था, लेकिन बक कन्वर्टर का आउटपुट ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट था। तो हमने क्या किया कि देखा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस जीरो था, तो हमने यहाँ पे सप्लाई अप्लाई किया 3 वोल्ट, जैसे 3 वोल्ट दिया वो पर्टिकुलर कैपेसिटर गर्म होने लगा, उसको हमने निकाला, ठीक है। अभी आप चाहे तो उधर दूसरा लगा सकते हो, सो मेनी कैपेसिटर सीरीज में मतलब पैरेलल में कनेक्टेड होते, एक हक नहीं रहेगा तो चलता है, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर बक कन्वर्टर का आउटपुट है कैपेसिटर तो कंपलसरी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिरेमिक कैपेसिटर तो हमने लगाया नहीं है तो चलेगा। सो अपनी कैपेसिटर जैसे निकाला शॉर्ट सर्किट गया, और फिर सप्लाई देके वो टर्न ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी हम उसको कनेक्ट कर दिया, अभी असेंबल कर दिया, अभी हम उसका डिस्प्ले चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट को देखा जाता है। तो अभी हमने इसको असेंबल कर दिया, मतलब बोर्ड को असेंबल कर दिया लैपटॉप के अंदर, और अभी हम लोग उसको पावर ऑन करेंगे, सप्लाई कनेक्ट करेंगे और डिस्प्ले चेक करेंगे। सप्लाई दे दिया, करंट आया, और यहां से मैं पावर ऑन करूंगा, करंट इंक्रीज हुआ वहां पे, यहाँ पे डिस्प्ले आना चाहिए। स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे फाइनली मेरा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो ये बुक्स के अंदर काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया गया, अलग अलग प्रॉब्लम, जिसने बुक को खरीदा नहीं वो खरीद सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ये बुक के अंदर है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप ले सकते हो और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आप मैकबुक पे काम कर रहे हो, एप्पल में काम कर रहे हो, तो इससे मैकबुक के लिए बुक्स है, जिसके अंदर मैकबुक के T2 और टाइप सी पावर सीक्वेंस सब दिया हुआ है। इसके अंदर कलरफुल बुक्स है, काफी वर्थ है बुक्स, और एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए बुक्स को इस्तेमाल करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।